हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर गेमिंग चैनल गेमिंग फीवर 1 & 4। तो फाइनली आज के इस वीडियो में आपसे हम बात करने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट गोल्ड रॉयल होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, उसके साथ साथ हमारा जो वेपन रॉयल है वो कौन सा होने वाला है, उसके साथ साथ जो हमारा डायमंड रॉयल होगा वो कौन सा होने वाला है। भाई यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली गरीना भाई, अक्सर ऐसा हो रहा है कुछ अपडेट्स से मैं देख रहा हूँ भाई, कुछ मतलब सीजन से ऐसा हो रहा है कि भाई एंड टाइम पे ऐसा होता है कि भाई मेन टाइम पे यहाँ पे कुछ दिनों से ऐसा किया जा रहा है कि भाई मेन टाइम पे आपका वो मतलब जो आइटम है जो हमारा वेपन रॉयल में आने वाला है या गोल्ड रॉयल में आने वाला है तो वो सडनली भाई चेंज हो जा रहा है। पता ही ऐसा हो क्यों रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे भाई ऐसा ही कुछ हुआ है, हमारा जो नेक्स्ट गोल्ड रॉयल होने वाला है उसे थोड़ा डिले कर दिया गया है। तो इस बार जो हमारा गोल्ड रॉयल में आपको देखने को मिलेगा वो बंडल कौन सा होने वाला होगा, उसके साथ साथ हमारा लीक्स के मुताबिक पता चल रहा है कि भाई डायमंड रॉयल में भी कुछ चेंजेस आया तो हमारा डायमंड रॉयल क्या होने वाला है। साथ ही साथ फाइनली यहाँ पे वेपन रॉयल हमारा आ चुका है तो भाई हम आपको दिखा देते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट वेपन रॉयल क्या है और साथ ही साथ कौन सा गोल्ड रॉयल है। तो सारा का सारा अपडेट इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल में जो न्यू आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं भाई अपने टॉपिक पर बिना किसी लेट के। भाई अगर बात करें हम लोग अपने वेपन रॉयल के तो भाई वेपन रॉयल पे हमारा M79 आने वाला, जिसका नाम आपका होने वाला मिडनाइट माफिया, जो बहुत जल्द आपको इंडियन सर्वर में देखने को मिलेगा। भाई लीक्स के मुताबिक बताया जा रहा था भाई AWM आने वाला है, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस आया है तो भाई AWM आपका हो सकता है कि आपको फेडेड विल में देखने को मिले, बट देखते हैं भाई क्या होता है, अभी कोई कन्फर्म नहीं है। बट ये कन्फर्म है कि आपका नेक्स्ट जो वेपन रॉयल होने वाला है वो आपका M79 होने वाला है। तो भाई काफ़ी ज़बरदस्त ओपी गन होने वाला है, बट यार यहाँ पे इसका यूज़ जो होता है भाई वो ज़्यादा यूज़ यहाँ पे नहीं है। पर्सनली कुछ ही बंदे इसे यूज़ करते हैं, ज़्यादातर बंदे इसे यूज़ नहीं करते हैं। और भाई इसके एबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो इसके डैमेज को डबल प्लस किया गया है, एमओ को सिंगल प्लस किया गया और साथ ही साथ रिलोड स्पीड को माइनस किया गया है। यहाँ पे अगर भाई इसके एमओ को डबल प्लस किया जाता और भाई डैमेज को माइनस किया जाता और रिलोड स्पीड को प्लस किया जाता तो भाई काफ़ी मज़ेदार गन होने वाला था। तो भाई ये हमारा मिडनाइट माफिया होने वाला भाई काफ़ी ज़बरदस्त है, एनिमेशन वगैरह भी काफ़ी मस्त दिया गया है। काफ़ी दिनों के बाद ही हमारा वेपन रॉयल में देखने को मिला। पर्सनली भाई इसे वेपन रॉयल में नहीं देते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि भाई उतना यूज़ होता नहीं है। और कोई वेपन होने से क्या है भाई, हम लोग क्लैश स्क्वाड में भी यूज़ कर सकते थे, नॉर्मली बहुत सारे जगहों पर इसे यूज़ कर सकते थे। तो भाई ये हमारा नेक्स्ट वेपन रॉयल होने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भाई गोल्ड रॉयल के बारे में। तो भाई यहाँ पे गोल्ड रॉयल में भाई काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहा है, लीक के मुताबिक बताया जा रहा था भाई ये बंडल आने वाला है, बट यार एंड टाइम पे ऐसा मेन टाइम पे ऐसा हो रहा है कि भाई गरीना उसे चेंजेस कर दिया जाए। तो यहाँ पे आपका जो फाइनली जो मतलब जिसका 90% चांस है कि आपको देखने को मिलेगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये बंडल आपका आने वाला, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट गोल्ड रॉयल होने वाला जिसका चांस आपका 90% चांस है कि बहुत जल्द वो आपको इंडियन सर्वर में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं भाई देखते हैं हमारा कौन सा बंडल है जो हमारे वो गोल्ड रॉयल पर देखने को मिलेगा। भाई ये वाला बंडल हमारा होने वाला है भाई नेक्स्ट गोल्ड रॉयल का बंडल, जिसका भाई 90% चांस है कि आपको ये बंडल गोल्ड रॉयल पे देखने को मिलेगा। भाई बंडल दिखने में बिल्कुल गरीब है, बट ये एक तरह का प्रिंस था, जो हमारा रोम का प्रिंस जो हुआ करता था उन लोगों का भाई ड्रेस इसी तरह का हुआ करता था। तो भाई ये हमारा नेक्स्ट आपका गोल्ड रॉयल होने वाला है, जो बिल्कुल बेकार सा बंडल है भाई। पर्सनली मुझे बंडल बिल्कुल पसंद नहीं आया, जो है भाई बिल्कुल गरीब, बट ये ड्रेस है एक भाई प्रिंस का जो आपका किंग होने वाला था। तो भाई बंडल पर्सनली आप इसका लोअर देखो अपर देखो, मतलब बिल्कुल बंडल मतलब बेकार सा है, कोई खास नहीं लगा। पर्सनली इसका हेड पे देखो भाई अजीब सा, मतलब हेयर वगैरह भी कोई खास नहीं है। बंडल तो भाई पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप हमें बताना कि अगर ये गोल्ड रॉयल पे आता तो आपको कैसा लगा। तो भाई यहाँ पे इसका चांस है भाई 95% चांस है कि ये बंडल आपको गोल्ड रॉयल में देखने को मिलेगा। और कुछ बंडल है जो आपको गोल्ड रॉयल में देखने को मिलेगा, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया था कि भाई ये बंडल्स है जो आपको नेक्स्ट गोल्ड रॉयल में देखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ पे चांस आपका बिल्कुल मतलब समझो भाई 90% चांस है कि आपका ये जो बंडल है आपको नेक्स्ट गोल्ड रॉयल पे देखने को मिलेगा। तो आप हमें कमेंट बताना कि बंडल आपको क्या। तो भाई ये हमारा होने वाला नेक्स्ट डायमंड रॉयल का बंडल, जो भाई दिखने में काफ़ी नॉर्मल सा है। इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, मतलब बताया था कि नेक्स्ट जो हमारा डायमंड रॉयल हो सकता है भाई एस्ट्रोलॉजिस्ट का फीमेल या मेल बंडल होने वाला है। बट यार अभी यहाँ पे लीक के मुताबिक बताया जा रहा है कि बहुत हद तक का चांस है कि ये बंडल आपको नेक्स्ट डायमंड रॉयल में देखने को मिले। तो 90% चांस है कि आपको ये बंडल डायमंड रॉयल में देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई गरीना का कोई भरोसा नहीं, कभी भी वो चेंजेस कर देते, ये भी एक तरह का लीक्स है। बात अगर बंडल के बारे में करें तो बंडल यार बिल्कुल नॉर्मल सा है, कोई खास नहीं लगा, किसी तरह का एनिमेशन वगैरह नहीं दिया गया। अगर एनिमेशन वगैरह होते तो काफ़ी मज़ा आता, क्योंकि भाई जो हमारा डायमंड रॉयल पे भाई एनिमेशन वगैरह होता है तो काफ़ी मस्त लगता है। तो यहाँ पे भाई कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़बरदस्त दिया गया है, कलर कॉम्बिनेशन के मतलब अकॉर्डिंग टू कलर कॉम्बिनेशन अगर बात करो तो भाई काफ़ी ज़बरदस्त है, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में मिक्स किए गए हैं। तो भाई ये हमारा नेक्स्ट डायमंड रॉयल होने वाला है। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट थोड़ा चांस है आपका वो एस्ट्रोलॉजिस्ट का बंडल हो सकता है, तो इन दोनों बंडल में से आपको एक बंडल आपका नेक्स्ट डायमंड रॉयल पे देखने को मिलेगा। आप हमें कमेंट बताना कि ये बंडल जो आपका है ये आपको बंडल कैसा लगा।
तो वही वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें इसी तरह से सपोर्ट करो ताकि आगे भी हम आप लोगों के लिए इस तरह के अपडेट्स लाते रहें। ओके।